Good morning, class 6th. So this is your computer period. So students, take your books out. This is a book, computer book, and we have started with our first chapter, computer software. In this chapter, we have read that computer software are of two types: system software and application software. So now we have to proceed with both of them. First of all, we will study about system software, the types of system software, and then we will move to application software. So let's get started with system software. So students, let's start. System software is most important software that runs on a computer. So first line se hame kya pata chalta hai ki system software sabse important software hai jo ki ek computer mein run karta hai. Abhi aage jaake hum janenge wo kaise itna important banta hai, wo itna important kyun hai aur wo karta kya hai computer mein, theek hai? Without it, a computer cannot function at all. जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये सबसे important software है computer का, जिसकी मदद से computer चलता है. उसके बिना computer बिल्कुल भी नहीं चल सकता, on भी नहीं होगा. It is made up of operating system and utility programs such as assembler, compiler, interpreters, loaders, linkers and debuggers. So, ये टर्म्स सुन के काफी डिफिकल्ट लग रही होंगी, ये सारी चीजें हैं क्या, बट इनको हम एक एक करके सब पढ़ेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है और इनका काम क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम से. स्टूडेंट्स, अगर आप पे अपना कंप्यूटर है या फिर लैपटॉप है और जब आप उसे ऑन करते हो तो आपको सबसे पहले कुछ ऐसी स्क्रीन दिखती होगी, राइट? इस टाइप की कोई स्क्रीन. तो ये जो स्क्रीन हमें दिखती है उसे हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. ये पूरा का पूरा जो भी शुरू से लेके एंड तक आप इसके अंदर काम करते हो वो एक आप ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर काम कर रहे हो. दिस फुल थिंग इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, सो फिर से हम पढ़ेंगे ये लाइन. इट इज मेड अप of operating system and utilities programs such as assembler, compiler, interpreter, loader, linker and debuggers. So operating system se bana hota hai hamara system software. This program helps manage and maintain computer hardware. Jo ye program hai, jo jitne bhi ye utility program hai, wo sare ke sare kis cheez ke liye madad karte hai hamare computer hardware ko chalane mein. अब कंप्यूटर हार्डवेयर तो हमें पता है क्या होते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, जो कि हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दैट आर कंप्यूटर हार्डवेयर. उन सबको चलाने में जो चीज हमें मदद करती है वो सारे हमारे ये प्रोग्राम्स हैं, राइट? सिंस सिस्टम सॉफ्टवेयर डील्स विद कंप्यूटर हार्डवेयर, इट इज कॉल्ड लो लेवल सॉफ्टवेयर. अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लो लेवल सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर चलाने में मदद करता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट कॉल्ड? लो लेवल सॉफ्टवेयर. द सिस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर एप्लीकेशन प्रोग्राम सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन. तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो हमें, जैसे वर्ड प्रोसेसर, जैसे हम कभी वर्ड पे काम करते हैं और एक्सेल पे काम करते हैं, पीपीटीज पे काम करते हैं, जितने भी जैसे वर्ड के डॉक्यूमेंट्स कभी हमने अगर खोलेंगे अपने लैपटॉप में तो या फिर कंप्यूटर में, तो हम देखेंगे वहाँ पे एक वर्ड जैसा एक सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है. उन सबको चलाने में जो हमारा काम करता है वो क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर मदद करता है उन सबको चलाने में, ठीक है? It hides the detail of computer hardware such as memory, printer, monitor, keyboard, etc. from the application programmer. तो पहला जो सिस्टम सॉफ्टवेयर काम क्या कर रहा था, वो सारा हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर है लाइक वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन, उन्हें चलाने में काम करता है.
और दूसरा वो हमारे साथ हार्डवेयर की जो हमारे हार्डवेयर की डिटेल्स है उन्हें हाइड करने में भी काम करता है, जो भी हमारे हार्डवेयर कनेक्टेड है, जैसे मेमोरी, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, ठीक है, जितने भी हमारे ये हार्डवेयर है उनकी डिटेल्स को हाइड करने के भी काम करता है। दस इट हेल्प हिम कॉन्सेंट्रेट सोलली ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो अब होता क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ इंटरनली वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन जैसे प्रोग्राम्स को संभाल रहा है और हार्डवेयर को बिल्कुल अलग कर रहा है। इसलिए वो सिर्फ और सिर्फ एक अपना किस चीज पे काम कर रहा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में, ठीक है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसलिए काम कर रहा है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनल चीजें कर रहा है, हार्डवेयर से वो डील नहीं कर रहा है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इट दस इट हेल्प्स हिम कंसंट्रेट सोलेली ऑन एप्लीकेशन डेवलपमेंट। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो भी चीज जिस भी चीज से हम कंप्यूटर के अंदर इंटरैक्ट करते हैं वो पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है, जो भी हम देख रहे हैं वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि इसके बिना तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, कुछ चला भी नहीं पाओगे। इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ प्रोग्राम्स फॉर मैनेजिंग डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर्स एंड अदर डिवाइसेस। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में ही ऐसी चीजें लिखी गई हैं, ऐसी चीजें बनाई गई हैं, ऐसे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जिसकी मदद से सारी की सारी जो कि डिस्क ड्राइव्स, प्रिंटर और जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है कंप्यूटर से वो सारे इजीली मैनेज हो सके, जिससे कि वो पता चल सके हाँ ये इससे कनेक्टेड है या नहीं है। जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही चलती हैं, उसमें ऐसे प्रोग्राम्स लिखे गए हैं जिससे कि कंप्यूटर को पता चले कि हाँ मेरे साथ कौन कौन सी डिवाइस कनेक्टेड है। इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन। अब जो हमने पढ़ा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या, एप्लीकेशन डेवलपमेंट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी चलाने के लिए, ठीक है। इट एक्ट एज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। अब देखो अगर आप कोई भी माउस से क्लिक करेगा या कीबोर्ड से लिखेगा तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि आपने क्या किया है, वो सारा का सारा चीज ऑपरेटिंग सिस्टम ही अपने हिसाब से संभालता है। जितनी भी चीजें हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपकी संभाल के चलता है, वो आपको एक इंटरमीडिएटर बनता है कंप्यूटर हार्डवेयर और आपके बीच में। जो भी आप हार्डवेयर के थ्रू कमांड दे रहे हो एक कंप्यूटर को वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही रीड करता है। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर आर लिनक्स, OS/2 एंड विंडोज। हम मोस्टली विंडोज पे ही देखते हैं, विंडोज ही होती हैं जो, जैसे विंडोज 10, 7, 8, XP 2000, ये मोस्टली हम विंडोज पे ही काम करते हैं। बट और भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे लिनक्स, OS/2 एंड यूनिक्स, राइट। सम अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आर यूनिक्स, डॉस विच इज डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम शॉर्ट में डॉस भी बोलते हैं, और एक्सेट्रा। The user interact with an operating system through a set of command which direct the operating system to perform certain task. जो मैंने आपको पिछली लाइन में समझाया था कि यूजर कोई भी कमांड देता है, कुछ भी लिखता है, कुछ भी करता है अपने हार्डवेयर के थ्रू, वो सारी की सारी कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कंप्यूटर में जाती हैं, जो कि अपना एक टास्क रन करता है जिसके बाद आपको उसका रिजल्ट दिखता है। जैसे अगर आप को लैपटॉप या कंप्यूटर में कीबोर्ड पे जैसे ए लिखते हैं तो उससे कैसे पता चलेगा कि आपने ए लिखा है, वो सारा का सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है देखने के लिए। जैसे आप ए लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड रन होगी कि आपने क्या किया, आपने वो देखेगा कि आपने ए लिखा तो वो आपको स्क्रीन में दिखा देगा कि आपने ए लिखा। दिस कमांड मे बी प्रोवाइडेड टू द ऑपरेटिंग थ्रू द माउस और द कीबोर्ड, जो मैंने अभी आपको बताया। An operating system with a graphical user interface is known as GUI operating system.
जो ये हम जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करते हैं मोस्ट पॉपुलर, उन्हें हम कहते हैं GUI ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि उसमें हम सब कुछ देख पाते हैं, हम सब कुछ क्लिक कर पाते हैं, हम कुछ भी लिख पाते हैं, हम किसी से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू, राइट? तो उस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं? GUI ऑपरेटिंग सिस्टम. एंड GUI इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. इट अलाउ अ यूजर टू गिव कमांड टू इट बाय क्लिकिंग द माउस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और वर्ड ऑन द स्क्रीन. जो मैंने अभी आपको बताया कि माउस या कीबोर्ड के थ्रू जो भी हम कमांड देते हैं उसे इंटरैक्ट करने के लिए जो कमांड रन होती है और जो हमें दिखता है वो ग्राफिकली काफी दिखता है और हमें सब कुछ समझ आता है, राइट? तो इसलिए हम इसे कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. एन एग्जाम्पल ऑफ GUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, राइट? एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद अ करेक्टर यूजर इंटरफेस इज नोन एज CUI ऑपरेटिंग सिस्टम. देखो, ये तो है हमारा विंडोज, और हमारा दूसरा टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है CUI, विच इज करेक्टर यूजर इंटरफेस. और करेक्टर यूजर इंटरफेस के मतलब क्या होता है? जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ कमांड लिख पाते हैं और इस कमांड के हिसाब से जो भी रिजल्ट आता है वो आपको डिस्प्ले होता है. मतलब इसमें आप कोई माउस वगैरह का यूज नहीं करेंगे, सिंपल कीबोर्ड का यूज होगा. कीबोर्ड में आप कमांड लिखेंगे और उस कमांड का आपको रिजल्ट सामने दिख जाएगा. बस यही काम होता है इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम का. मीन्स आप ना कोई मूवी देख पाएंगे, आप ना कोई गेम खेल पाएंगे, आप ना कुछ भी क्लिक कर पाएंगे, आप सिर्फ और सिर्फ टाइप कर पाएंगे, वो भी सिंपल स्पेसिफिक कमांड्स. इन ऑर्डर टू गिव कमांड टू CUI ऑपरेटिंग सिस्टम, कीवर्ड एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक टास्क मस्ट बी टाइप्ड यूजिंग द कीबोर्ड. जैसे कि मैंने आपको बताया, इसके कुछ अपने कीवर्ड्स होते हैं जिसकी मदद से ये चलता है. अगर आप लिखो ABC वो नहीं जानेगा. इसके अपने कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आप लिखोगे तभी वो जानेगा, हाँ ये मेरा कोई कमांड है और मेरे को इसे रन करना है. जो भी स्पेसिफिक कमांड आप लिखोगे वो उसके अंदर होनी चाहिए, नहीं तो वो आपको एरर दे देगा. एन एग्जाम्पल ऑफ CUI ऑपरेटिंग सिस्टम इज MS-DOS. ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी. मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को हम बहुत अलग अलग तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं. इट कैन बी मल्टी यूजर, मतलब एक से ज्यादा यूजर भी यूज कर सकता है. मल्टी प्रोसेसिंग, पहले तो सिंगल प्रोसेसर आता था, आजकल तो काफी सारे प्रोसेसर आते, तभी फास्ट हो गए हैं सिस्टम, राइट? तो मल्टी प्रोसेसिंग भी हो सकता है, मल्टी टास्किंग भी हो सकते हैं. एक टाइम पे कितने भी टास्क चला सकते हो, गाने भी सुन सकते हो, मूवी भी देख सकते हो, ब्राउज भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एंड मल्टी थ्रेडिंग, और मतलब अंदर ही अंदर काफ़ी सारे थ्रेड्स रन होते हैं. जैसे भी मतलब अगर आप कोई भी क्लिक करेंगे तो उस चीज़ का एक थ्रेड बनता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आप कितने भी मल्टीपल थ्रेड बना सकते हैं. तभी हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी क्लासिफाइड एज मल्टी यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी टास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनैलिटी. This will be discussed in greater detail in later classes. Okay? So, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे. So, आज हमने basic of system software पढ़ा. Okay? तो बच्चों, आप भी अपने साइड पर रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन आती है आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ आई, तो मैं आपको फिर से बताऊंगा वो चीज़, ठीक है? नेक्स्ट चैप्टर में हम यूटिलिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे. ओके, किस टाइप के यूटिलिटीज़ होते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, ये सारी यूटिलिटीज़ होते हैं, राइट? और यूटिलिटी हमारा किस काम के आते हैं? मैनेज एंड मेंटेन कंप्यूटर हार्डवेयर. ओके ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच.